सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि जो ब्लड में ऑक्सीजन चली गई है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। 97% ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना देती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती है। और जो 3% जो बच गई है वो जो प्लाज्मा में वाटर होता है उसके साथ कंबाइन होती है। अब जो ये वाटर है ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द लिक्विड सब्सटेंस ऑफ ब्लड और जो प्लाज्मा है वो उसमें 90% वाटर ही होता है। तो प्लाज्मा में जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन होती है और इस हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कि ऑक्सीजन दो तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, दो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके। पहली हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी, मोस्टली जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा जो 3% जो बच जाती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है प्लाज्मा में उसके साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होती है। तो देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो चुका है, अब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑफ गैसेस और वी कैन से CO2 एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। कि टिश्यू के बीच और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच में है इसीलिए इसे टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, टिश्यू रेस्पिरेशन, क्योंकि ये जो एक्सचेंज है ये ब्लड और टिश्यू के बीच हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये हम टिश्यू कोई टिश्यू ड्रॉ कर रहे हैं कि कैसे एक्सचेंज होता है। दीज आर द सेल्स ऑफ टिश्यू। कि ये कोई टिश्यू है ये अब कैसे एक्सचेंज होता है ये देखते हैं। और ये है ब्लड वेसल्स जिसमें क्या है RBCs हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और जैसे हमने देखा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन रहती है। ये कोई RBC मॉलिक्यूल है, ये हमारी कैपिलरी कह लो, ठीक है ब्लड कैपिलरी होगी। अब देखिए एक्सचेंज कैसे होता है, अब देखिए जो टिश्यू है उसमें तो रेस्पिरेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली तो यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जो जो ब्लड है ये लंग्स से आया है तो ये प्योरीफाइड ब्लड है तो इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। कि CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है तो CO2 ज़्यादा से कम की तरफ आएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी। कि जो गैस जहां पर ज्यादा है वहां से किसकी तरफ जाएगी, जहां पर कम है। तो टिश्यू में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो ब्लड में चली जाएगी और ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ब्लड से टिश्यू में चली जाएगी। ऐसे ये डिफ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड फूड टू रिलीज एनर्जी। कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो फूड है वो सेल के अंदर अब ऑक्सीडाइज होगा और उसको ब्रेकडाउन होने के बाद उस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है इसके अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी। दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स से हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब देखिए
रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का है, हम पढ़ चुके हैं पहले, एरोबिक और एनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, कि जो फूड का जो ब्रेकडाउन है वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये प्रोडक्ट रहता है, और अगर ये ही ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ब्रेकडाउन होता है तो प्रोडक्ट इज CO2, एल्कोहल एंड एनर्जी। और एक बार क्या होता है, ग्लूकोज अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है। दिस इज द सेल्युलर रेस्पिरेशन, कि जो ग्लूकोज है वो पहले क्या होगा, पाइरूवेट में टूटेगा, 3 कार्बन कंपाउंड होता है पाइरूवेट, और पाइरूवेट से फिर ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का सेल्स में तो ये अल्कोहल बन जाता है, जो कि ईस्ट में ऐसा होता है, और लैक्टिक एसिड जो बनता है वो हमारे मसल सेल्स में बनता है। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो जब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हमारी मसल सेल्स में है तो जो मसल सेल्स हैं वो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्युलर रेस्पिरेशन। नाउ वी विल सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अब देखिए, ये हमने सेल्युलर रेस्पिरेशन में CO2 बना है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जैसे हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया था वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में जो सेल्स में बन गई है वो एक्चुअल में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी एटमोसफेयर में। तो देखिए, ये इट इज 10% ऑफ CO2 कंबाइंड विद वाटर ऑफ प्लाज्मा, 10% ऑफ CO2 कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ऑक्सीजन का कंबाइन करती है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, और ये कॉम्प्लेक्स बना देती है कार्ब अमीनो ग्लोबिन। ये भी एक टेम्प्रेरी कंपाउंड है, और जो 40% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करती है सोडियम कार्बोनेट आयन आयंस ऑफ प्लाज्मा एंड फोम सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड 40% CO2 कंबाइन विद पोटेशियम कार्बोनेट आयन एंड फोम पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये जो चारों जो कंपाउंड हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही लंग्स में जाते हैं ब्लड के थ्रू, जैसे ही ये ब्लड लंग्स में पहुंचता है ये सब कंपाउंड लेकर, लंग्स में ये CO2 रिलीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लंग्स में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, इन सभी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके इनसे CO2 को तुड़वाकर लंग्स में इकट्ठा कर देता है, और जो लंग्स से फिर जो जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ये एयर में बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2।